सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज की हम वीडियो लेके चलने वाले हैं पीजीटीएम इन बैंकिंग सेक्टर। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो कि बैंकिंग सेक्टर में होता है, और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हम देख लेंगे कि एमबीए और पीजीटीएम में डिफरेंट क्या है। तो पीजीटीएम हम मोस्टली जानते हैं डिप्लोमा है, एमबीए डिग्री है। तो सबसे और जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं डिप्लोमा में और डिग्री में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज भी डिग्री की वैल्यू डिप्लोमा से बहुत ज़्यादा है, राइट? तो आज की हम वीडियो लेके चलने वाले हैं पीजीडीएम इन बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो बेसिकली कोरिलेट है आपके एमबीए से। एमबीए हम करते हैं तो हम सब जानते हैं हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और पीजीडीएम आप करते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स ऑल कंपनीज एट ऑल, बट मोस्टली कंपनी डिग्री मांगती है लाइक एमबीए, नॉट पीजीडीएम। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेस्ट रहेगा पीजीडीएम इन बैंकिंग सेक्टर या नहीं, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए आज हम बात करेंगे पीजीडीएम। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पे है ना, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट। सो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट पीजीडीएम में, तो पीजीडीएम में हम सब जानते हैं, देखो पीजीडीएम जो डिप्लोमा होता है वो भी आपका 2 साल का होता है, ठीक है, 2 ईयर का होता है। और जैसे कि एमबीए भी हमारा सेम ही है, 2 ईयर्स का पीजीडीएम हो गया। और पीजीडीएम आप सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो पीजीडीएम आप एचआर में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, आईबी में कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, और बीए में भी कर सकते हैं लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। तो इन चीजों में भी पीजीडीएम प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। अब डिफरेंट देखिए, 2 साल का ये भी है, एमबीए भी आपका 2 साल का है, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा में बहुत डिफरेंट हमारा मतलब सेक्टर देखता है। तो पीजीडीएम बेस्ट करना बेस्ट रहेगा या नहीं पीजीडीएम करना, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर एक सेक्टर में आप जाते हैं बैंकिंग के लिए, आप पीजीडीएम कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बैंक ये नहीं देखता है कि आपके पास एमबीए है पीजीडीएम है, बैंक आपका रिज्यूम में देखेगा, आपकी क्वालिफिकेशन देखेगा और आपको जरूर चांस देगा। और प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में पीजीडीएम बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। पीजीडीएम करने के बाद आपको मोस्टली बैंक, जो कि हमारे जो भी बैंक्स हैं, अगर हम बात करें एचडीएफसी हो गया, ठीक है, आपका आईसीआईसीआई हो गया, आपका ये एक्सिस हो गया, ठीक है, और आपका कोटक भी हो गया, कोई सी भी बैंक ले लीजिए आप, ठीक है, जो भी है नेशनल इंटरनेशनल, वो पीजीडीएम को एक्सेप्ट करती हैं। वो पीजीडीएम जो डिप्लोमा आपका मैनेजमेंट में आप करेंगे उसको एक्सेप्ट करती हैं, पीजीडीएम के बेस पे भी आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं। पीजीडीएम की फीस भी आपकी थोड़ी सी कम होती है एमबीए से, बट हाँ प्रॉपर वैल्यू दी जाती है पीजीडीएम को, इंटर्नशिप आपकी पीजीडीएम में भी होती है, ठीक है, इंटर्नशिप यहां भी होती है आपकी, 3 मंथ हो गया या फिर 45 डेज हो गए, जो भी है सेम स्टडी रहती है एमबीए की तरह, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एमबीए की तरह आपका सेम स्टडी रहेगा पीजीडीएम में, ठीक है, सारी चीजें सेम होंगी, फैकल्टी भी सेम होगी, सारी चीज सेम होंगी, लेकिन डिग्री जो आपको मिलती है वो आपके यूनिवर्सिटी से निकलती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। डिप्लोमा आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा है इसको आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। सेकंड मोस्ट बेनिफिशियल क्या रहता है ना पीजीडीएम में, प्रॉपर बैंकिंग के ही बारे में आप जानते हैं, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग का एनवायरनमेंट, वर्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डाउन टू अर्थ बैंक कैसे काम करता है, लाइक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, तो जो प्राइवेट बैंक है वो कैसे काम करते हैं। ओवरऑल हम बैंकिंग की हम बात करें तो पीजीडीएम में बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब बहुत से लोग बैंकिंग में प्रॉपर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अब चाहे वो उनकी ग्रेड कुछ रिलेशनशिप मैनेजर हो, एसओ हो, कुछ भी हो, मतलब ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, जो भी मतलब आईटी में जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हो गया आपका, बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें भी जाना चाहते हैं,
प्रॉपर बैंकिंग में आपको करियर बनाना है तो पीजीडीएम में निकल जाएगी, पीजीडीएम बेस्ट रहेगा। एमबीए के बाद भी आपके पास प्रॉपर चांस है, ये नहीं बोलता हूँ एमबीए के बाद मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ बैंक में, तो एमबीए के बाद आप होंगे, बट इनके साथ एमबीए नहीं कर पा रहे हैं तो पीजीडीएम में कर लीजिए, पीजीडीएम बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब पीजीडीएम में हम बात करते हैं तो यार एक अकेडमी है, बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है, मणिपाल अकेडमी बैंकिंग के लिए, मणिपाल अकाडमी जो है वो डायरेक्ट आपको एक साल का कोर्स कराती है, ये वाला है, ठीक है, प्रॉपर बैंकिंग में एक साल का कराएगी, 3 से 4 लाख के बीच में आपका फीस होगा, जिसमें कि आपका 6 मंथ जो रहने वाला है वो ट्रेनिंग चलेगा, 6 मंथ आपका ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, और उसके बाद 6 मंथ आपका इंटर्नशिप रहेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर जो मणिपाल एकेडमी है क्या वो सिर्फ सेल्स की जॉब प्रोवाइड करती है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मणिपाल एकेडमी की हम बात करें तो मणिपाल एकेडमी आपका ऑपरेशंस भी देती है और सेल्स दोनों ही प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन सेल्स किसी में भी भेज सकती है, एचआर भी देगी बिल्कुल। आप अगर मणिपाल से पीओ का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आपको ऑपरेशन सेल्स एचआर वो देखिए वहां भी जब आप इंटर्नशिप डन करते हैं तो इंटर्नशिप में भी आपको वहाँ पे चेक किया जाता है आप कैसे वर्क कर रहे हैं कैसा क्या, तो उसके बेस पे भी आपको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये समझ आ गया, पीजीडीएम बहुत बेस्ट है बैंकिंग सेक्टर से, आप करेंगे प्रॉपर बैंक में आएंगे, आप कोई सी भी बैंक में आएंगे और पीजीडीएम जो है आप मणिपाल अकेडमी से ट्राई कीजिएगा, आपको हो जाता है तो एक साल में 3-4 लाख, देखिए जितना एमबीए में आपका जाता है 3-4 लाख 7-8 लाख, तो इससे तो कम में आपका मणिपाल अकेडमी आपका कोर्स करा दे रहा है पीओ का, सबसे बेस्ट है, कोर्स कर लीजिए 3 से 4 लाख रुपए आपका जाएगा, एजुकेशन लोन भी वो लोग करा देते हैं, ठीक है। और सेकंड बेस्ट थिंग है कि आपका एक साल का ही होगा, जिसमें 6 मंथ ट्रेनिंग देंगे, 6 मंथ आपका इंटर्नशिप बैंक में जाके होगा, बैंक हो गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें आपको पोस्ट मिलती है रिलेशनशिप मैनेजर होगा या आप डीएम बन की पोस्ट, या सेकंड आपको क्रेडिट ऑफिसर क्रेडिट मैनेजर की मिल सकती है, कोई अदर डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, सिंगल डिपार्टमेंट ऐसे होम लोन वगैरह ये सब, तो बढ़िया रहेगा पीजीडीएम आप अगर आप करते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। और मणिपाल एकेडमी से सिर्फ एक साल का होता है, वैसे पीजीडीएम जो होता है आपका डिप्लोमा 2 साल का होता है, जो कि एमबीए के कंपैरिजन में होता है, एमबीए से थोड़ा सा लो है लेकिन बराबर टक्का देता है, क्योंकि बट एमबीए डिग्री है तो यार आप समझ ही सकते हैं डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रहती है और डिप्लोमा की थोड़ी हम कम समझते हैं। तो बेस्ट रहने वाला है कि आप बैंकिंग सेक्टर में करें, पीजीडीएम में मणिपाल से कर लें, ठीक है। और हाँ, टाइम्स प्रो एनआईआईटी भी हैं, वो बोलते हैं तो कुछ और हैं डिपार्टमेंट कुछ और देते हैं, बट यार टाइम्स प्रो एनआईआईटी भी आपका 21 डेज का ट्रेनिंग करा के आपको एसओ वगैरह की पोस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं डायरेक्ट बैंकिंग में, और बहुत सारी बैंक वो करा रहे हैं, यस बैंक हो गया आपका, आईसीआईसीआई एक्सिस कोटक, बहुत सारी बैंक के साथ उनके टाई अप हैं, सारी मणिपाल अकेडमी हो गया, जो भी हो गया मणिपाल भी आपका कराता है, ठीक है। बट बेस्ट है ना यार, क्योंकि आप अभी डिग्री करने के बाद आप जॉब के लिए भागेंगे, उससे अच्छा तो आपके पास मणिपाल से सीधा प्लेस्ड होंगे बैंक में, आप टाइम्स प्रो हो गया दो और यहाँ पे जो मुझे पता है, ठीक है, टाइम्स प्रो एन आई आई टी, ठीक है, ये जो दो हैं, तीसरा आपका हो गया मणिपाल, और मणिपाल तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो यार ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों बेस्ट हैं, ये तीनों सीधा आपको प्लेस्ड करा देंगे, अगर हम बात करें तो तीनों सीधा आपको बैंक में प्लेस्ड करा देते हैं, और फिर हमें डायरेक्ट अगर बैंक में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इससे बेस्ट क्या है, है ना। हमें डिग्री डिप्लोमा जो हम लेके भागते हैं जॉब जॉब के लिए, लिंक्डइन पे अप्लाई किया, बहुत सारी जगह से रिवर्ट नहीं आया, मैं तो लिंक्डइन डेली यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को रिवर्ट नहीं आते, लेकिन ये डायरेक्ट आपको थोड़ा सा रुपये लेके प्रोवाइड कराने, तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। सो ट्राई कीजिएगा कि यार आपको अगर ये मिल जाता है पीजीडीएम मणिपाल और ये सब, तो डायरेक्ट आप बैंक में आ जाएंगे। तो बैंक की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो एक तो तीन तरीके हैं, एमबीए के बाद भी आप करियर पोर्टल पर जाके अप्लाई कीजिए, मौका मिलता है, ठीक है, बाकी मणिपाल से करने बाद तो आप डायरेक्ट प्लेस्ड होते ही हैं। तो आज की वीडियो का आई होप आपको समझ आई होगी, डिप्लोमा भी बेस्ट है यार, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं ना बैंकिंग सेक्टर हो गया किसी भी सेक्टर में, उसके भी वैल्यू काफ़ी है आज के टाइम, ठीक है यार। सो थैंक यू सो मच यार, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आप इन तीन एकेडमी को मैं बेस्ट मानता हूँ, आप कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, करियर बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। सो यार आज का हमारा टॉपिक जो था पीजीडीएम इन बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, तो बैंकिंग में
करियर बनाना है तो पीजीडीएम कर लीजिए मणिपाल से, या फिर ट्रेनिंग ले लीजिए एनआईटी और टाइम्स प्रो से, डायरेक्ट प्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू काफ़ी आज के टाइम पे पीजीडीएम की एमबीए को टक्कर देता है भाई, और सारी चीज़ें एमबीए की तरह सेम है, एंट्रेंस भी करेंगे आप, सारी चीज़ें सेम है। सो ये बेस्ट रहने वाला है गाइज, कन्फ्यूज मत होइए कि क्या एमबीए या पीजीडीएम, दोनों बेस्ट हैं। जो आपको मौका मिलता है कर लीजिए, बट एक स्ट्रीम से कीजिए, बैंकिंग हो गया या फिर एचआर फाइनेंस वगैरह जो मैंने यहाँ पे बताए थे, आईबी वगैरह, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। और आजकल तो लॉजिस्टिक्स वाला भी आपका हो गया है ना, सप्लाई चेन का भी है, ऐड कर देते हैं वहाँ से भी, सप्लाई चेन में आप करते हैं तो लॉजिस्टिक्स की कंपनियों में जाते हैं, तो यार वो भी बहुत बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ठीक है, नहीं भी आती है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।